लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अफ्रीकी देशों सूडान और मिस्र के बीच 2072 स्क्वायर किमी का एरिया ऐसा है जिस पर दोनों में से किसी देश का मालिकाना हक नहीं है। इंदौर के सुयश दीक्षित इस जगह पर पहुंच गए और अपना झंडा लगा दिया। सुयश कहते हैं कि ये किंगडम ऑफ दीक्षित है और मैं सुयश दीक्षित यहाँ का राजा हूँ। सुयश ने यूएन से अपील भी कर दी कि वो इस नए देश को मान्यता दे और सुयश को इसका मालिकाना हक भी दिया जाए। हालांकि यूएन की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। सुयश ने अपने देश किंगडम ऑफ दीक्षित के लिए एक झंडा भी तय कर दिया है जिसके साथ उन्होंने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इस किंगडम की राजधानी सुयशपुर होगी। सुयश ने किंगडम का प्रधानमंत्री और मिलिट्री हेड अपने पिता को बनाया है। उन्होंने छिपकली को देश का राष्ट्रीय पशु चुना है। सुयश ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा, आज से मेरा नाम किंग सुयश दीक्षित है और मैं किंगडम ऑफ दीक्षित का पहला दावेदार हूँ। मैं इस 2072 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर अपनी दावेदारी पेश करता हूँ। यहाँ आने के लिए मैंने रेतीले स्थानों पर 319 किमी का सफर तय किया है। कुओ तातयोन मारक सपाचय। फेसबुक पोस्ट में सुयश ये भी लिखते हैं, मैं कुछ आतंकवाद प्रभावित इलाकों से होकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे पता चला है कि मुझसे पहले यहाँ 5-10 लोग दावा कर चुके हैं। अब यहाँ मेरा दावा है। अगर वो इस जमीन को मुझसे वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें मेरे साथ जंग लड़नी होगी। ये जंग कॉफी पीकर लड़ी जाएगी। इंदौर के हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल से पढ़े सुयश ने लोगों से भी कहा है कि वो इस नए देश की मान्यता लेने के लिए उनके सामने अप्लाई कर दें। सूडान और मिस्र के बीच इस लावारिस्तान का नाम बीरतावल है।